का जो खाना था बड़े लेवल किस्म का था। बाय द वे यार, मैं एक चीज का रिव्यू तो आप लोग को देना ही भूल गया था, वो था यार मलाई बोटी का। ऐसा कोई जहाज जाता था तो हम समझते थे कि ये रॉकेट जा रहा है यार, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद करीम वंस अगेन। छत पे आया हूँ तो छत पे तो यार बड़ी पतंगे वगैरह उड़ रही है यार, ये देखो। एक पतंग हो रही, बाकी कबूतर वगैरह भी उड़ रहे हैं भाई, एक पतंग ये रही। तो यार मैं भी सोच रहा हूँ कि पतंग वगैरह कल से स्टार्ट कर दूँ, लेकिन यार टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि यार मेरे पास तो टाइम है नहीं। बाय द वे बच्चे बच्चे ये खेल रहे यार, ये देखो ये सारे कितनी शैतानी कर रहे हैं। बाय द वे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, पतंग वगैरह उड़ रही है। क्या कर यार, कट गई तुम लोग की? कट गई या उनकी? मैं बोल रहा था तुम्हें ऊपर से रखो, क्या पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। यहाँ से एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तेरी भाई इसकी पटियल ये पेच कर रहा है आई थिंक उस वाले गुड्डे से। गया और ये इसने इसको इतना चांस नहीं दिया, लेकिन अभी खैर अभी दोनों बहुत दूर हैं। तो भाई ये पेचा लग गया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक का काटा। चलो भाई वो वाली जो ब्लैक है वो कट गई है, इसने काट दी है। तो कोई एक चीज दिखाता हूँ, बचपन में जब ऐसा कोई जहाज जाता था तो हम समझते थे कि ये रॉकेट जा रहा है यार, ये देखो। देखो भाई आई थिंक ये एयर छोड़ता हुआ जाता है भाई अपनी। बच्चे थे तो हमें ये लगता था, कह रही है कि रॉकेट जा रहा है। खैर यार अभी पतंग वगैरह तो उड़ रही है, ये देखो भाई ये काले गुड्डे ने अभी काटी थी। बाय द वे फहद और की पतंग वहाँ उड़ रही है, कबूतर वगैरह भी उड़ रहे हैं, यहाँ पर सब उड़ रहे हैं। चलो गाइस अब टाइम हो गया है अफ्तार का, तो अब नीचे चलते हैं, उसके बाद अफ्तार खोलते हैं और सब्सक्राइब कर देना यार। ऐसे वीडियो देख के चले जाते तो ये गलत बात है ना, तो सब्सक्राइब करके जाओ यार। चलते हैं अफ्तार करते हैं भाई। तो छोटो क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे ये तो चार थे, तीन हो गए? नहीं, तीन ही थे। चलो भाई एंजॉय करो तुम लोग। Hours later. आज जो वर्कआउट करेगा आपका भाई वो करेगा बेसिकली शोल्डर का वर्कआउट, क्योंकि कल आपके भाई ने शोल्डर कर दिया था, इसके कल बाइसेप ट्राइसेप किया था। तो अभी शोल्डर को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे लेवल किस्म का वर्कआउट, क्योंकि वार्म अप बहुत जरूरी है। आप लोग भी पहले वार्म अप किया करो, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट किया करो। शोल्डर वार्म अप करूंगा, ये जो लाइट वेट है इससे, तो पहले साइड रेसेस करेंगे, उसके बाद फिर डबल एंड डंपल, फिर उसका स्ट्रेट आउट। तो अभी साइड रेसेस करते हैं। तो भाई जो मेरा वार्म अप वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, तो अब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से शोल्डर का वर्कआउट। बहुत मजा आने वाला है शोल्डर के वर्कआउट में, और सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो। ऑलमोस्ट आधा ज्यादा वर्कआउट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब जो मैं करता हूं वो बैक रोप करने लगा हूं टेंशन मशीन पे, तो अब ये करते हैं, उसके बाद फिर वाला डंपल एंड डायरेक्ट। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट हो गया आपके भाई का टेंशन। तो भाई मुझे लग रही थी भूख और मैं आ गया हूं गफ्फार भाई मीन अल गफ्फार होम्स, जो कि मलाई बोटी में कहते हैं कि किंग है। बाय द वे ये देखो यार ये है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और इनकी जो मलाई बोटी वगैरह आई थिंक और चीज़ देखेंगे मेन्यू में कि क्या क्या मिलता है। बाय द वे जो इनकी मशहूर है वो मलाई बोटी है। बाय द वे शेरोज़ भाई और फरहान ये रहे, तो मुझे जो लेकर आए वो शेरोज़ भाई लेकर आए। शेरोज़ भाई ने कहा कि एक दफ़ा इसकी मलाई बोटी वगैरह तुम ट्राई करके देखना, फिर इसके रिव्यू देना। मैं आप लोगों को इनकी एक अच्छी बात बताता हूँ, हमें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं अभी ऑर्डर दिए हुए, तो यार माशाल्लाह से ऑर्डर हमारा आ गया। बाय द वे देखो यार ये मलाई बोटी आ गई, और ये लेवल किस्म के जो मोस्ट फेवरेट है मेरे कबाब, फ्राई कबाब, आपको बताया जो वहीद वाले के यहाँ पर मिलते हैं, तो मैं तो नहीं छोड़ता। खैर यार अभी खाना स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। बाय द वे मैं जो आया हूँ यहाँ पर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, वाइट लेने जा रहा हूँ मैं फ्राई कबाब का, ये ट्राई करते हैं। ये आ गया फर्स्ट बाइट यार, मजेदार। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, यकीन करो ये बिल्कुल सेम इसका टेस्ट है जो कि वही शादी वाले का होता है। बाय द वे यार एक दफ़ा आके ट्राई कर लेना, लेवल किस्म का खाने का जो खाना था बड़े लेवल किस्म का था। बाय द वे यार मैं एक चीज़ का रिव्यू तो आप लोग को देना ही भूल गया था, वो था यार मलाई बोटी का। तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने उसका रिव्यू ही नहीं दिया। खैर यार बड़े लेवल किस्म का खाना है, और मेरे कहने पर एक दफ़ा आ जाना ट्राई कर लेना। तो वो हूँ भाद्राबाद के ऊपर, भाद्राबाद की चुरंगी एरी, और अभी हम जा रहे हैं कुछ मीठा खाने, क्योंकि यार खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो अभी हम आए हैं स्वीट्स के पास, तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे मीठा आ गया है हमारा, ये देखो भाई बड़े लेवल किस्म का ये मीठा है, तो इसको ट्राई करेंगे। वैसे यार छोड़ो यार क्या ट्राई करेंगे, भूख लग रही है, खाने तो ये। Hours later. भोलू को देखते हैं क्या कर रहे हैं, और ये एक हमारा छोटा सा भी भोलू, हमारा भोलू है, हमारा छोटा सा भोलू है। चाम क्या कर रहे हैं डोलू बोलू चाम? अभी इसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, देखो भाई डोलू बोलू खैर बैठे हैं, वह चिल कर रहे हैं। इनको चारा वारा भी फहद ने दे दिया था, क्योंकि यार मैं तो हो गया था बेसिकली लेट, तो सुबह का चारा भिगो दूंगा,
और फिर सुबह, बल्कि नहीं यार सुबह तो मेरी वैसी क्लास है, सुबह क्लास भी लेने जाना है यार, सुबह मेरी टीवीसी प्रोडक्शन की क्लास है और वो सेकंड क्लास है, तो ये कि देखेंगे कौन, हाँ टीचर तो यार हमारे वही हैं सर फरहत, तो बड़े लेवल किस्म के टीचर हैं। बाय द वे दादा ये खरबूजा वगैरह लेकर आ गए थे दादा, तो ये कि दादा लेकर आते रहते हैं भाई इनके लिए जो जो फ्रूट वगैरह मिलते रहते हैं। बाय द वे एक बछड़ा था तो उसको दादा बेसिकली खिलाते थे सेब, तो यार वो बहुत बड़ा जानवर हो गया था माशाल्लाह, तकरीबन वो 15 से 16 मन का बन गया था। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि ये डोलू गोलू को टाइम लगेगा उस लेवल तक नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बकराए तक अच्छे हो जाएंगे। अना शामी ये भी देख लो कैसा डरा हुआ है, शाम शाम इसके ऊपर बिता दूँ खैर यार ये डरता है ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के बेसिकली सारे काम हो गए हैं और यार कल वैसे भी मेरी क्लास है टीवी से प्रोडक्शन की, इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी कल की क्लास, और टोटल ये जो क्लास है ये बेसिकली प्रोजेक्ट बेस है, तो ये है कि इसके भी इंशाल्लाह ताला रिजल्ट वगैरह भी अच्छा आएगा क्योंकि टीचर हमारा अच्छा है। ठीक है भाई, और ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अचाम कहा करो ओए अच्छे नहीं वहाँ बोलो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है बोलो सब्सक्राइब कर देना है अच्छे, और चैनल पर बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़ बोलो, चलो भाई अल्लाह हाफिज़, अभी इसका मूड नहीं हो रहा कुछ बोलने का।